दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 15 सीटों को भाजपा ने साध लिया है। लोकसभा चुनाव से महज ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। नए मंत्रियों में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान, साहिबाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा और रालोद के दलित चेहरे अनिल कुमार हैं। राजभर और दारा सिंह चौहान पूर्वांचल और अनिल कुमार और सुनील कुमार पश्चिमी यूपी से आते हैं। इन चार को मंत्री बनाकर राज्य में पूर्वांचल और पश्चिमी हिस्से की करीब 15 लोकसभा सीटों को भाजपा ने साधने की कोशिश की है। राजभर का अपनी जाति पर अच्छी पकड़ है। राजभर की पार्टी के 6 विधायक फिलहाल उत्तर प्रदेश में विधायक हैं। वहीं दारा सिंह ओबीसी से आते हैं। पूर्वांचल की सीटें गाजीपुर, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, घोसी, देवरिया, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज में इन जातियों का 40 से 90 हजार तक का वोट बैंक है। वहीं पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण चेहरे सुनील शर्मा को योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। इससे गाजियाबाद, साहिबाबाद, मथुरा समेत कई सीटों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा रालोद के अनिल कुमार एससी वर्ग से आते हैं। पश्चिम यूपी में दलित वर्ग में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। योगी सरकार में अब 22 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। योगी सरकार में अब सामान्य वर्ग के 24, ओबीसी वर्ग के 22 और एससी एसटी वर्ग के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। 25 मार्च 2022 को योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण हुआ था। अब जानते हैं कि कौन है ये खास चार चेहरे जिन पर योगी ने भरोसा दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं सुनील शर्मा की। 54 साल के सुनील शर्मा पेशे से वकील हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी से लगातार दूसरी बार जीते हैं। 2017 के चुनाव में सुनील शर्मा को कुल 2,62,741 वोट मिले थे। उन्होंने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को 1,50,685 वोटों के अंतर से हराया था। 2022 में सुनील शर्मा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने 2,14,845 वोटों से जीत दर्ज कराई थी। उन्हें 3,22,045 वोट मिले थे। यह जीत 2022 के विधानसभा चुनाव में देश में सबसे बड़ी जीत थी। साहिबाबाद सीट उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है, जहां करीब 11 लाख वोटर हैं। सुनील शर्मा से पहले यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के एनसीपी नेता अजीत पवार के नाम था, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 1,65,000 वोटों से जीते थे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ओपी राजभर की। सुभाषपा यानी कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की अपनी जाति पर काफी अच्छी खासी पकड़ है। राजभर की पार्टी के इस समय यूपी में 6 विधायक हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाषपा और सपा का गठबंधन था। इसका नुकसान पूर्वांचल की 6 सीटों पर बीजेपी को हुआ था। दरअसल बीजेपी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का जो है दावा कर रही थी, इसलिए बीजेपी का राजभर को मंत्री बनाना जो है वो मजबूरी बन गया था। इसके पीछे की वजह है यूपी में करीब 4% राजभर आबादी है। पूर्वांचल के 25 में से 18 जिलों में राजभर मतदाता अच्छी तादाद में है। ओम प्रकाश राजभर की राजभर वोट पर काफी मजबूत पकड़ है। पूर्वांचल की गाजीपुर, बलिया, सुलेमपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ समेत करीब दर्जन भर सीटों पर राजभर मतदाता जीत और हार तय करने की स्थिति में है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर अनिल कुमार की। रालोद के कोटे से अनिल कुमार को मंत्री बनाया जा सकता है। इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अनिल मुजफ्फरनगर के पुरकाजी सुरक्षित सीट से विधायक हैं। वह आरएलडी से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। रालोद ने दलितों को साधने के लिए अनिल का नाम आगे किया है। इससे पहले रालोद विधायक अशरफ अली और राजपाल बालियान का नाम आगे चल रहा था। अब बात करते हैं नंबर 4 पर दारा सिंह चौहान की। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह मिल गई है। दारा सिंह भले ही घोसी उपचुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर पाए हों, लेकिन माना जाता है कि लोनिया समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। पूर्वांचल की घोसी लोकसभा सीट पर इस समाज का खासा प्रभाव भी है। दारा सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा से की थी। लोगों के बीच पकड़ के कारण वह पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। 2015 में दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2022 में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और सपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर दारा सिंह बीजेपी में लौट आए और अब उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये चार चेहरे हैं जिन पर योगी सरकार में, योगी मंत्रिमंडल में भरोसा करके मंत्रिमंडल में जोड़ा गया है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की 15 सीटें बीजेपी अपने कब्जे में कर सकती है। ये मास्टर स्ट्रोक खेल करके, क्योंकि
80 लोकसभा सीटों वाला सूबा है उत्तर प्रदेश, लखनऊ से होकर ही दिल्ली का रास्ता निकलता है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा तमाम जितने भी बड़े लीडर हैं भाजपा के, वो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत पाएं। 80 में से 80 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए ओपी राजभर को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो जिस तरीके से प्लानिंग लग रही है, लगता है प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस बार कुछ बड़ा खेला करने वाली है। आपकी इस पर जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और खबरों के डोज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्य न्यूज़ को। नमस्कार।